हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैंने आपके लिए वो वीडियो अपलोड की है जो मेकअप मैंने न्यू ईयर पार्टी में किया था। तो फ्रेंड्स, वहाँ के होटल में मेरे पास जो भी अवेलेबल था, जैसी भी लाइट थी, जो भी था, मुझे उसी में एडजस्ट करना था। तो मैंने फिर भी सोचा कि आपके लिए वीडियो शूट करूँ। मुझे थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन स्टिल आई ट्राइड कि आपके लिए वीडियो ज़रूर मैं शूट करूँ। तो होप आपको ये जो लुक है पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने न्यू ईयर का व्लॉग भी बनाया है, वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। ये मेरा पहला व्लॉग होगा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो और व्लॉग पसंद आए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मैं हुडा का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ। इसके साथ हम ट्रांजिशन शेड मैं क्रिएट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आईब्रोज को यहाँ पर फिल कर लिया, तो अपने आईलिड्स को भी है जो मैंने प्राइम कर लिया था, उसको भी, उसका भी मैंने बेस बना लिया था। तो ट्रांजिशन शेड को मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। अब मैं यहाँ पर रोमांटिक ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ और ये मैं सिल्वर शेड लेकर इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर ही अप्लाई करूंगी। तो मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये ग्रे सी शेड ले रही हूँ, इसको भी मैं सेम उसी के ऊपर ही अप्लाई करूंगी और मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से शेड ले रही हूँ, इसको मैं अपने उसके नेक्स्ट अप्लाई करूंगी, उसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। साथ साथ में फ्रेंड, मैं चाय भी पी रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इसके बाद मैं सेम पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ, उसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, तो अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश लेकर जो मैंने सिल्वर और पिंक जो अप्लाई किया था शेड, उसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये ब्राउन शेड लेकर जो मैंने ब्लैक शेड अप्लाई की थी, उसी के ऊपर मैं इसको लगाऊंगी और उसको मैं अच्छी तरह इनर साइड में लेते हुए इसको मैं ब्लेंड करूँगी। अच्छी तरह सारे कलर्स को मैं प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी। उसके बाद तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मेबलिन की स्टे मैट फाउंडेशन लेकर डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर इसको स्प्रेड करूँगी। उसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। ये हुडा का ब्यूटी ब्लेंडर है। उसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन की जो है वेलवेट मैट फाउंडेशन, तो इसके साथ मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी एज यूजल, जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ आईज, नोज, चिन, फोरहेड, वहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मैं सेम पैलेट में से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ब्लैक शेड लेकर इसको भी मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर पर मैं इसको नहीं अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं रोमांटिक ब्यूटी पैलेट में से सेम ब्राउन शेड लेकर ब्लैक के ऊपर ही अप्लाई करूँगी और उसको मैं ब्लैक शेड को अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। अब फिर से मैं ये वो ग्रे शेड ले रही हूँ, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे मैं लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एयर स्पन का जो है लूज पाउडर, उसके साथ मैं अपने फेस को अच्छी तरह मैं सेट कर लूँगी प्रॉपरली। उसके बाद अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी। यहाँ पर मैं लावेल का जो है पेन लाइनर, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैं विंग लाइन क्रिएट करूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड मिस रोज़ का हाइलाइटर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। अब मैं यहाँ पर एले गर्ल का पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ये ब्रॉन्जर शेड लेकर अपने फेस को मैं अच्छी तरह ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। मैं यहाँ पर मेस का ब्लशर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। रोज़ के पैलेट में से, जो हाईलाइटर पैलेट में से अपने फेस के हाई पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर आई लैशेज़ को कोट करने के लिए TNG का मस्कारा यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर सलामी का जो लिप लाइनर है, मेरी शेड है 06, उसके साथ मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा आउटर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा फिल करूँगी और मिड पार्ट में थोड़ा सा छोड़ दूँगी। और इसमें यहाँ पर मैं हुडा की लिपस्टिक ले रही हूँ, इसको मैं अपने मिड जो है लिप्स के मिडल में इसको मैं अप्लाई करूँगी, ताकि जो है ऑम्ब्रे इफेक्ट जो है वो आए। और मैं ऑफलाइन अपनी फेक आई लैशेज को अप्लाई कर लूँगी। तो मैं डॉक्टर शील की सेटिंग स्प्रे के साथ अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। मैं मेकअप करने के बाद थोड़ी वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दी में थी मैं, लेट हो गई थी। तो जो भी क्लिप्स है थोड़े से मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको लुक का पता चल जाए। होप के आपको ये लुक पसंद आएगी। आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, अपने जो आपके जो भी और भी अकाउंट्स हैं उस पर मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटीशियन स्टाइलो कुदरत, एंड फेसबुक पे भी ब्यूटीशियन स्टाइलो, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये लुक पसंद आई है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।